गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, ये हमारी आज की जो 6 क्लास से 8 तक के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर हमारी 80 है, ठीक है। और जो डेट है हमारी 6 अक्टूबर 2020 की, जो है हमारी आज की वर्कशीट है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो आपका नेम है वो लिखिए, और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, नेम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर। CT जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है क्लास टीचर के लिए। तो लेट्स बिगन, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है इस वर्कशीट का, वो है पॉल्यूशन। तो हमें पॉल्यूशन के बारे में आज हमें पूरी अपनी वर्कशीट में हमें पॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, जिसे हम हिंदी में प्रदूषण ही बोलते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इन टू द एनवायरनमेंट। जो पॉल्यूशन है वो क्या है, एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसमें हार्मफुल माने क्या, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमको नुकसान हार्म करते हैं, उनका मटेरियल का एनवायरनमेंट में जाना ही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। इट मेक्स लैंड, वाटर, एयर, डर्ट एंड मेक्स दैम अनसेफ और अनसुटेबल टू यूज़। वो एयर को, लैंड को, वाटर को जो है क्या कर देते हैं, वो बेकार कर देते हैं और अनसेफ कर देते हैं, किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है ना, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए भी। पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ, पोल्यूशन, ये आपके आंसर आ गए। पोल्यूशन जो है अफेक्ट्स आवर हेल्थ एनवायरनमेंट एडवर्सली, जो ये पोल्यूशन जो है हमारी हेल्थ पे, हमारी स्वास्थ्य पे बहुत, और हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बेकार असर डालता है, देख, ठीक है ना, हमको बहुत, मतलब इससे बहुत ही हमको तकलीफ़ होती है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। कुछ जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी क्या है, हमारे जो एयर को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन इज़ कोज बाई स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जो स्मोक, जो एयर किससे, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो क्या आता है, जो स्मोक, धुआं जो निकलता है उनके, जब वो अच्छी तरह से अपना फ्यूल यूज़ नहीं करवाते, ठीक है ना, तो क्या होता है, उनके धुएं निकलते हैं उनके व्हीकल से, तो ये क्या होता है, इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। मैनी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन हम पढ़ेंगे, क्या है मैनी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। हमारे 4 प्रकार के, हमारे 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, कौन से, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। अब हमारा जो ये आंसर है आपके, ये क्वेश्चन में आंसर आपके, इसमें मैंने आंसर लिख दिए हैं, ठीक है ना। क्या है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शोन इन द फ्लोइंग पिक्चर। जो आपकी जो फ्लोइंग पिक्चर में आपको जो दिख रहा है डायग्राम, बताइए किस, कौन से पोल्यूशन क्या है। पहला क्या, एयर पोल्यूशन, ये देखो एयर में ये पोल्यूशन जा रहा है, ये स्मोक जा रहा है एयर में। ये आदमी क्या है, ये पर्सन क्या अपने कान बंद कर रहा है, तो इसको ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके साउंड पोल्यूशन है, इसके ये जो बज रहे हैं, ये है ये जो एरोप्लेन जा रहा है इससे क्या हो रहा है, जो ये रेलगाड़ियाँ दिखा, देखो आप देखिएगा क्या है, ये जो रेलगाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रेन जा रही है, एरोप्लेन जा रहे हैं, ये जो लाउड स्पीकर लगे हैं, इससे ये जो है इससे क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। अब ये क्या है, वाटर पोल्यूशन, वाटर में देखो कैसी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ये जो टैंक ही दे रखा है, जहाज जिसे बोलते हैं, वाटर जहाज जिसे बोलते हैं, इससे क्या होता है, कभी कभी जो क्या होता है, लीकेज ऑफ ऑयल हो जाता है, इससे भी क्या होता है, हमारा जो वाटर है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर का, वाटर मतलब वाटर पोल्यूट हो जाता है। ये क्या है, लैंड पोल्यूशन है। लैंड में क्या है, ये ऐसे ही कचरा, गार्बेज जो है ये डाल रहे हैं, तो ये हमारे फोर टाइप्स ऑफ क्या है, हमारे पोल्यूशन है। इसके आपके क्वेश्चन भी मैंने, आपके जो क्वेश्चन के आंसर भी आपको ये लिख दिए हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। मतलब कि जो आपके जो दिल्ली है, आप जो दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, एयर पोल्यूशन के क्या कारण, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में कौन कौन से कारण है और उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको कम कैसे करें। तो ये आपका जो आंसर है, ये मैंने आपका लिख रखा है, ये रहा क्या है, पहला, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब क्या है, जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, ये वही है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं स्मोक फ्रॉम द व्हीकल, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं स्मोक, एक मिनट,
स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स भी लिख सकते हैं हम, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट भी वही चीज़ है, और हम लिख सकते हैं या तो हम स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स। दूसरा क्या, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जैसे कोई किसी का मकान बन रहा होता है वहाँ पे भी क्या होती है, बहुत सारा डस्ट उड़ रहा होता है, ठीक है ना, स्प्रेडिंग ऑफ डस्ट बहुत होता है वहाँ पे, हम सांस भी नहीं ले सकते, ऐसा माहौल हो जाता है ऐसा। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्रीज से भी, फैक्ट्री की जगह फैक्ट्रीज भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। फैक्ट्रीज से भी क्या करते हैं, बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज होता है, क्या बर्निंग माने जलाना, गार्बेज जो हमारा कूड़ा करकट होता है उसको भी जब जलाते हैं तो क्या होता है, बर्निंग ऑफ गार्बेज से भी हमारा जो एयर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, हमारा एयर पॉल्यूशन बहुत फैलता है। अब हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब कम कैसे कर सकते हैं। पहला, यूज़ CNG फ्यूल, हमें CNG को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहिए, उससे हमारा जो कम पोल्यूशन होता है। दूसरा, प्लांट ट्रीज, हमें बहुत सारे जो है प्लांट ट्री को उगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, हमें लगाने चाहिए प्लांट। और पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारी पब्लिक अवेयर नहीं होगी कि उनको पोल्यूशन कम करना है, तब तक हम कितना भी काम कर ले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है आपका, या इसका आंसर या ये रहा आपका, ठीक है ना, हमें ये सब चीज़ करनी है, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, जिसके आंसर मैंने आपको, मतलब वर्कशीट के साथ आपके आंसर भी हैं। बच्चों, अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरा सब्सक्राइब, मेरा और आपका जो चैनल है ऐसा लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो उसके बराबर में बेल होती है, बेल आइकन, उसको भी आप क्लिक कीजिएगा जब भी, क्योंकि जब भी आप, जब मैं कोई वर्कशीट डालूँ तो जो है आपके पास वो आ जाए। आगे मिलते हैं हम, ठीक है ना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।